हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट कोच की और उनके दिए हुए कोच पोस्टुलेट्स की। रॉबर्ट कोच ने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रॉबर्ट कोच वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट बॉर्न इन 1843। जो रॉबर्ट कोच थे वो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1843 में हुआ था। नेक्स्ट, ही इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू द फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी रॉबर्ट कोच को बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। सो लेट्स मूव टू द फर्दर स्लाइड। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल नो अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। सो नंबर वन इज ही इंट्रोड्यूस द स्टेनिंग टेक्निक्स, मतलब रॉबर्ट कोच ने स्टेनिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड मैथड फॉर आइसोलेटिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। रॉबर्ट कोच ने ही वो मैथड इंट्रोड्यूस करे थे जिनसे हम प्योर कल्चर बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच इज कोच पोस्टुलेट, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल नो वॉट इज कोच पोस्टुलेट। सो अकॉर्डिंग टू द कोच पोस्टुलेट, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि कोच पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट तभी माना जाएगा जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कोच पोस्टुलेट के सारे पोस्टुलेट्स को फुलफिल कर रहा होगा। तो अब हम जानेंगे वो पोस्टुलेट्स क्या थे जिन्हें फुलफिल करना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है अगर वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। सो नंबर वन पोस्टुलेट इज द ऑर्गेनिज्म शुड बी रेगुलरली फाउंड इन द लीजन्स ऑफ द डिजीज, मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर रहा है वो उस लीजन्स के अंदर रेगुलरली मिलना चाहिए, रेगुलरली फाउंड होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर रेगुलरली फाउंड होना चाहिए तभी माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। सो नंबर वन पोस्टुलेट इज दिस। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दिस दैट इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म एंड कल्चर्ड इन प्योर फॉर्म। इसका मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी कोई इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर रहा था वो उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर से आइसोलेट होना चाहिए, हम उसे पॉसिबल, मतलब उसे आइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए और उसे प्योर फॉर्म में कल्चर्ड करना भी पॉसिबल होना चाहिए, जैसे कि लेबोरेटरी में प्योर कल्चर्ड में फॉर्म करा जाता है। तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि वो पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट कर सकें उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से और उसे प्योर फॉर्म में कल्चर्ड कर सकें। सो सेकेंड पोस्टुलेट में ये था। नाउ थर्ड पोस्टुलेट इट स्टेट्स दैट द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म विच इज इनोक्यूलेटेड इनटू सूटेबल लैब एनिमल शुड प्रोड्यूस अ सिमिलर डिजीज, मतलब कि जो अभी हमने प्योर कल्चर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसी सूटेबल लैब एनिमल के अंदर इनोक्यूलेटेड करेंगे और जब हम उस लैब एनिमल के अंदर वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेटेड करेंगे उसके बाद वो पर्टिकुलर सेम सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस होना चाहिए, जो कि हमारे फर्स्ट पोस्टुलेट में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जब अब हमने लैब एनिमल के अंदर वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेट कर दिया है अब उस लैब एनिमल के अंदर से भी हम उसे रीआइसोलेट करना कर सकते हो, मतलब रीआइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए जिस एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट, जो हमने लैब एनिमल लिया था वो एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट हुआ क्योंकि हमने उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्फेक्ट किया है ना, एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू हमने इसे इन्फेक्ट किया है तो वो होगा एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। तो उसके अंदर से भी हम उसे रीआइसोलेट कर सकें तब जाके वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन का कॉजेटिव एजेंट माना जाता है। तो ये 4 पोस्टुलेट्स थे जो रॉबर्ट कोच ने दिए थे जिन्हें हम कोच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। सो यहाँ 4 पोस्टुलेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन्हीं पोस्टुलेट्स को एक पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर वन पोस्टुलेट ये था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली उस लेजन में पाया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट था उसे हम आइसोलेट कर सकें,
आइसोलेट करने के बाद हम उसे प्योर फॉर्म में कल्चर्ड कर सकें लेबोरेटरी में। उसके बाद जब वो प्योर फॉर्म में कल्चर्ड हो जाएगा, उसके बाद हमें किसी लैब एनिमल में, किसी सूटेबल लैब एनिमल में वो इंजेक्ट कराना है। जब वो इंजेक्ट होने के बाद वही सेम डिजीज़ जो कि सबसे पहले वाले होस्ट में हो रहा था, जो सबसे पहले वाले होस्ट में इन्फेक्शस कॉज कर रहा था वो पॉजिटिव एजेंट, वही लेबोरेटरी वाले जो सूटेबल एनिमल में भी कॉज होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ पोस्टुलेट में ये था कि उस एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट में से भी हम उसे रीआइसोलेट कर सकें, ठीक है। तो ये चार पोस्टुलेट्स थे जो रॉबर्ट कोच ने दिए थे, जिन्हें हम कोच पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। सो द टॉपिक इज ओवर हेयर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you have any doubt, then let me know in the comment below. I genuinely welcome your feedback. If you find this video helpful, then please give it a big thumbs up, do share this video, and please subscribe to this channel for more upcoming videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification of this channel. Stay tuned for the next video. Thank you for watching this video. Have a great day.